जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर यदि आप यहाँ पर दुमका जिला में जो चौकीदार का वैकेंसी निकला है उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप एक बार ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। देखिए दोस्तों, अगर यदि आप ज़रा सा भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी फॉर्म को भरने से पहले एक बार उसके बारे में समझ लीजिए, परख लीजिए। एक डमी फॉर्म को आप रखिए, उसमें एक बार भर के देख लीजिए, उसके बाद फाइनल फॉर्म को आप भर के सबमिट करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या भरना है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो आपका जो है ये वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये वाला फॉर्म मेरे पास कहाँ से आया, ये फॉर्मेट कहाँ से आया। तो ये फॉर्मेट मेरे पास आया दुमका जिला का जो वेबसाइट है www.dumka.nic.in, वहाँ से जा कर के भी आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर यदि आपको बाज़ार में या फिर कहीं पर ये फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो, ठीक है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया हुआ है, हम भी वहीं से डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र विज्ञापन संख्या 1/2024, यहाँ पे लिखता है कि सेवा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जो है आपके पास पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे फ़ोटो को आप चिपका करके एक क्रॉस साइन आप यहाँ पे कर देंगे, कभी भी फ़ोटो के ऊपर चेहरा के ऊपर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सब अभी प्रमाणित रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आपको चिपकाना है। क्लियर हो गया, फोटो आपके पास है उसको चिपका दीजिए। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर में है यहाँ पर आपको लिखना है, ये देखिए ब्रैकेट में करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको गृह जिला का नाम, अपना जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, किस थाना के अंतर्गत आप आते हैं उसको लिखना है, आवेदित बीट का नाम लिखना है, ठीक है। और ये देखिए, अगर यदि आपको आवेदित बीट का नाम नहीं पता है तो इसके पहले अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर जो है एक वीडियो डाला था दुमका जिला जो चौकीदार का भर्ती है उसमें हम आपको बीट का नाम बता दिए हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत सारा बीट है, जैसे 362 पोस्ट है, सबका अलग अलग बहुत लंबा लिस्ट था। तो उम्मीद है कि आप इस बीट का जो संख्या है, बीट का जो लिस्ट है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके लाए होंगे। तो अब बीट का नाम बढ़िया से लिख देंगे, बीट संख्या यदि लागू हो तो उसको लिखेंगे, बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये बीट संख्या किसको कहते हैं हम आपको चलिए एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए हम ले जाते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए ये आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करके परिशिष्ट वन को रिक्त पदों की सूची, इसको आप डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। जैसे जगह का नाम है शिकारीपाड़ा, अंचल का नाम, बीट संख्या 7/1, बीट का नाम है घंघरा 7, ठीक है। बीट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, जैसे यहाँ पे ग्राम का नाम दिया गया है पिनरगढ़िया, बरमसिया, काली पत्थर, ये जगह जो है रिक्त है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जो है इसी से संबंधित जो है चीज़ों को भरना है, सही सही भरना है, गलत नहीं भरिएगा। मान के चलिए अगर यदि मेरा वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप अगर यदि पोस्ट ऑफिस के पास आप भरने के लिए गए हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिल के बैठ के फार्म को भरते हैं, तो आसपास में भी ज़रूर एक बार आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे भरा रहा है, एक दो जगह वेरीफाई करने के बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। उसके बाद हम चलिए दूसरा चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं। नॉर्मल में यहाँ पर एक नंबर में अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में हिंदी और अंग्रेजी में लिखने बोलता है, ठीक है। तो हिंदी में बड़े बड़े अक्षर और साफ साफ अक्षर में लिखिएगा, अगर यदि हैंडराइटिंग आपका ठीक नहीं है तो आसपास के जो लोग या फिर आपके सगे संबंधी दोस्त आ रहे हैं उनसे ज़रूर लिखवा लीजिएगा एकदम साफ साफ में, ताकि सामने वाला आपका जो वर्ड लिखावट है उसको बढ़िया से पढ़ सके। अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा। यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम आपको लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में, ठीक है। प्रयास करिएगा थोड़ा सा बड़ा और क्लियर अक्षर में लिखिएगा। जन्मतिथि यहाँ पर आपको अंक में लिखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी का जन्मतिथि 1/1/2000 है तो 1/1/2000 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे शब्द में लिखना है तो शब्द में मत के लिए 1 जनवरी 2000, तो उस तरह से लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उम्र जो है घटा करके, जैसे 18/7/2024 को आपका उम्र में कितना वर्ष कितना महीना और कितना दिन है उसको लिखिएगा। अगर यदि ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो एज कैलकुलेटर बहुत सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आज का डेट और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल के आप उसको घटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, वो उसमें को क्लियर बता देगा, ठीक है। चार नंबर बोल रहा है कि अभ्यर्थी का भाषा या फिर स्थानीय भाषा का नाम। तो अभ्यर्थी का भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो आप रखना चाहते हैं, और स्थानीय भाषा जैसे खड़िया, खोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी हो, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बंगला,
उर्दू, उड़िया उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर कर सकते हैं। ऊपर तीन और नीचे इतना आपका क्षेत्रीय भाषा में से एक एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल में अपना ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट, पिन कोड, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको अच्छे से बढ़िया बढ़िया अक्षर में लिखना है। उसके बाद पत्राचार का पता, पत्राचार का पता भी हम आपको बताएंगे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आप जो बढ़िया से एड्रेस लिख के भेजेंगे उसी के ऊपर आएगा। तो पत्राचार का पता मतलब हो गया ऐसा लोकेशन या फिर आपका अपना एड्रेस जिसमें कोई चिट्ठी वगैरह, कोई लेटर वगैरह अगर यदि सरकार भेजना चाहे तो आपके घर तक पहुँच सके। आवेदित का पद का नाम चौकीदार, इसमें पहले से प्रिंट है। शरीर पर दो चिन्ह का निशान, जैसे कुछ भी अपना चिन्ह दे सकते हैं, कट मार्क है, तील है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो परमानेंट आपका रहे या फिर है उसको आप यहाँ पे दो चिन्ह डाल दीजिएगा अपने शरीर के हिसाब से। उसके बाद 9 नंबर में बोल रहा है कि शैक्षणिक योग्यता आपका जो है मैट्रिक का है, तो मैट्रिक के सामने यहाँ पे लिखिएगा कौन सा बोर्ड से पास किए, जैसे जैक से पास किए तो जैक से, सीबीएसई से पास किए हैं तो सीबीएसई, कहाँ से जो भी आपका बोर्ड है उसके लिखिएगा किस वर्ष में पास किए हैं, कितना नंबर लाए थे और कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। घटा बढ़ा के परसेंटेज बढ़िया से लिखिएगा। उसी तरह से इंटरमीडिएट का सारा चीज़ लिखिएगा, स्नातक का लिखिएगा, पीजी अगर यदि किए हैं तो पीजी लिखिएगा, या फिर अन्य योग्यता जैसे आप मन के चलिए एमबीए किए हैं, पीजी डीसीए किए हैं, कुछ भी किए हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर में महिला है तो महिला पर टिक करिए, पुरुष है तो पुरुष पर टिक करिए। 11 नंबर में यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पर अगर यदि कोई व्यक्ति निःशक्त हैं, दिव्यांग हैं तो किस चीज़ में हैं, अंधापन में है तो अंधापन में करें, बहरापन है तो बहरापन करें, चलन में है तो चलन में करें, और इसमें है तो इसमें करें, जो नहीं उसको काट दें, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर में पूछ रहा है कि यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। कुछ जैसे भी आपका जो दुमका जिला का जो वैकेंसी है उसमें खिलाड़ी के लिए 2% पद आरक्षित है, तो अगर यदि खिलाड़ी कोई है तो उनको यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र, तिथि और उपलब्धि के बारे में लिखना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अभ्यर्थी के जाति के श्रेणी, जैसे आप किस कैटेगरी में आते हैं, अतारक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उसके ऊपर आपको टिक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 14 नंबर में बोल रहा है कि आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ जो देते हैं, रेसिडेंस प्रूफ देते हैं, तो उसका नंबर आपको आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर देना है, और जो इशू हुआ था, ठीक है, निर्गत डेट यानी कि जो इशू हुआ था उसका डेट देना है। सेम चीज़ जाति का प्रमाण पत्र का नंबर दीजिए, निर्गत तिथि दीजिए। उसी तरह से EWS प्रमाण पत्र दीजिए, निर्गत दीजिए। चरित्र प्रमाण मतलब चरित्र का प्रमाण पत्र का संख्या दीजिए और निर्गत का तिथि दीजिए। उसके बाद 18 नंबर में बोल रहा है फोटो 2 प्रति अतिरिक्त संलग्न करता है। फार्म में जो है अपना 2 फोटो जो है अतिरिक्त संलग्न कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा देना पासपोर्ट साइज का। 19 नंबर में बोल रहा है 100 पता लिखा लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें, ठीक है। 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो उसको संलग्न करें। बहुत बार मान के चलिए 26 रुपये का डाक टिकट नहीं मिल रहा है, 5-5 रुपये का मिल रहा है, 10-10 रुपये का मिल रहा है, प्रयास करिएगा 26 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-2 रुपये बढ़ जाता है, नहीं मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर 26 रुपये का हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये डाक टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा, प्रयास करिएगा अपना जो लोकल पोस्ट ऑफिस है, जैसे कोई हेड पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे चल जाइएगा, वहाँ पे जाकर के आराम से बैठ के फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद बोलता है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा नहीं, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें। जैसे ये चीज़ उनके लिए है, जैसे किन्हीं के ऊपर केस चल रहा है तो अपने केस के बारे में वो डिटेल में लिखेंगे, नहीं चल रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, ठीक है। या फिर आपके आसपास में जैसे लोग लिख रहे हैं उसके देख करके लिख लीजिएगा। 21 नंबर बोल रहा है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अवैतनिक रूप से पूर्व से कार्यरत चौकीदारों हेतु केवल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में प्रति संलग्न करना। जैसे कोई अभ्यर्थी पहले से काम कर रहे हैं तो चौकीदार में काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे कुछ सीटें आरक्षित और उनको आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ना सारा डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे अंत में एक घोषणा पत्र आता है जिसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ होता है, मैं प्रमाणित करता हूँ या फिर करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और न ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थित से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त या रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक या दंडिक कानूनों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तिथि, स्थान और यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, अब हम आपको ये चीज़ बोल एक बार और बता रहे हैं कि देखिए फार्म हम जो बताएं ये तो लगभग सही ही है, लेकिन एक बार आप जो है और वेरीफाई कर लीजिएगा कि हम जो बताएं ये सारा सही है या नहीं है। मान के चलिए ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको नहीं मिले, उसमें कुछ चेंजिंग रहे, तो आसपास के लोगों से एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फार्म को फाइनल सबमिट आप करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी तरह का दिक्कत, कन्फ्यूजन, सवाल जवाब है तो कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका आंसर देंगे आपको कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।